कांग्रेस के रायपुर में कल से शुरू हो रहे महाधिवेशन से ठीक पहले आज राजनीति पर तब गर्मा गर्मी हो गई जब रायपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं में से एक नेता पवन खेड़ा को असम की पुलिस ने दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इंडिगो के विमान से उतार लिया और उतार करके गिरफ्तार कर लिया। पवन खेड़ा को असम के हाफलोंग पुलिस थाने में दायर एक FIR के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में विमान में बैठे और कांग्रेसी नेता भी विमान से नीचे उतर गए और वहीं एयरपोर्ट के टारमैक पर ही बैठ करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर जा रहे थे, विमान में बैठ चुके थे और तभी एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि उनके बैगेज में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो नीचे उतर जाए। जब पवन खेड़ा ने कहा कि उनके पास सिर्फ हैंड बैगेज है तो पुलिस अधिकारी ने उनसे नीचे वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए आने को कहा। पवन खेड़ा नीचे उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असम के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पवन खेड़ा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अभद्र तरीके से लिया और उनके पिता के नाम को जानबूझकर गलत बोलने की कोशिश की। आपको बता दें कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री का पूरा नाम लेते वक्त उनका सही नाम बोलने के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला और बाद में इसे ठीक किया। इसी के खिलाफ असम में एक FIR उनके खिलाफ दायर हुई है जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसका पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने तुरंत विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने उनके पुराने बयानों को भी याद दिलाया। क्या कारण है कि डॉक्यूमेंट्स किए ना? अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से ला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे कांग्रेस? ऑर्डर दिया सर। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर, पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते? जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही है कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। अब असम पुलिस इसके बाद पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड पर, जो ट्रांजिट रिमांड होती है, उस पर लेने के लिए दिल्ली की द्वारका कोर्ट के लिए निकली। तो उसी दौरान कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ये हम आपको बिल्कुल एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हुआ क्या। आज दिन में दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें राहत दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यों की बेंच ने जब सिंघवी से मामले की जानकारी मांगी तो सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने उनके एक बयान को लेकर उनके खिलाफ असम के एक जगह पर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दायर किए गए। असम पुलिस ने इसी सिलसिले में FIR पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है और UP पुलिस भी ऐसी ही तैयारी में है। सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के दायरे में जो FIR है वो एक राज्य में ही लाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि 4-10 जगह FIR हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि पवन खेड़ा ने क्या बयान दिया था तो अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के पूरे नाम को लेकर कंफ्यूज थे और उन्होंने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने इस पर बिना शर्त माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनकी जबान फिसल गई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी पर ऐसे गंभीर केस नहीं किए जा सकते। गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और आरोपी को पूछताछ के लिए पहले समन नहीं किया गया बल्कि सीधे गिरफ्तारी के लिए आ गए। ये बोलने की आजादी का हनन और अदालत उन्हें संरक्षण दे,
गिरफ्तारी से बचाव। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 505 ऐसी बड़ी धाराएं क्यों लगाई गई। इस बहस की आगे जानकारी से पहले आपको यह बता दें कि ये तीन धाराएं क्यों लगाई जाती। धारा 153 ए यानी कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ी यह धारा है। 295 ए, 295 ए जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण काम से जुड़ी। अब आप खुद तय कर लीजिए कि यह इसमें हुआ था या नहीं। धारा 505 विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने वाले बयानों से यह धारा जुड़ी हुई। अब आप तय कीजिए कि इसका वायलेशन यहां पर पवन खेड़ा के मामले में हो रहा था या नहीं हो रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का विरोध किया गया। असम की जो सरकार थी उसकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को पवन खेड़ा के बयान का वीडियो कई बार दिखाया और बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि जानबूझकर प्रधानमंत्री के लिए ये बयान दिया गया, ये अदालत तय करे कि ये बयान गलती से दिए गए हैं या नहीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे बन सकता है, और बाद में अपने फैसले में पवन खेड़ा को राहत देते हुए उन्हें मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी और पवन खेड़ा को बाद में नियमित जमानत के लिए निचली कोर्ट जाने को कहा। इसका मतलब यह हुआ कि असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने पर रोक लग गई, अब वो असम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में जो FIR दायर हुई है उसको एक जगह करने पर यूपी और असम को नोटिस जारी किए, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसके फौरन बाद पवन खेड़ा को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया गया, जहां देर शाम तक उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिना FIR की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए, हवाई जहाज से उतार कर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। अगला कदम आपका क्या होगा, क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा।